कि बेहतरीन तैयारी ताकि आप एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड ही करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सबको याद है, आप सबके फोन में सेव है, लेकिन जो दर्शक नए जुड़े हैं, क्योंकि रोज ढेर सारे दर्शक नए जुड़ते हैं कार्यक्रम से, प्लीज नोट कर लें 7045220000 7045220000। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर भी हम लाइव हैं इस कार्यक्रम को लेकर, तो सोशल मीडिया पर जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और हम उन सवालों के जवाब तुरंत लाइव यहीं पर इसी शो में आपको देंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव साहब, मार्केट एक्सपर्ट। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है, खासतौर पर कल के बाजार के लिए वो किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं और आपको क्या करना है, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मजमून आज के बाजार का। फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था, बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिला, सेंसेक्स निफ्टी की फैट क्लोजिंग थी, सेंसेक्स 35 पॉइंट गिरा 89,441 पे बंद हुआ, निफ्टी भी 18 पॉइंट गिरा 24,124 पर गया। हालांकि इंट्राडे में, इंट्राडे की बात करें तो सेंसेक्स ने 89,855 का स्तर छुआ जो कि रिकॉर्ड है, निफ्टी ने भी 24,236 का रिकॉर्ड स्तर छुआ जो कि रिकॉर्ड था। वहीं आज के बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में पिकवाली देखने को मिली, एफएमसीजी, ऑटो, बैंकिंग शेयरों में भी दबाव रहा, लेकिन आईटी, रियल्टी और एनर्जी शेयरों में एक खरीदारी नजर आई। इसके अलावा तेल, गैस, फार्मा इंडेक्स, ये सब भी बढ़त पर बंद हुए। तो ये तो थे क्या रहा आज के बाजार में, लेकिन इस दौरान निवेशकों का मूड कैसा था, क्या उन्होंने खरीदारी की, क्या उन्होंने बिकवाली की, इसका आइडिया हम लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज के उस नंबर से। तो देखिए एफआईआईज आज बेचते हुए नजर आए, 2000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच के निकल गए डीआईआईज ने, लेकिन दूसरी तरफ खरीदारी की, हालांकि ये एक चौथाई रही उस बिकवाली के सामने, 648 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी, और इसीलिए बाजार में आज एक कंसोलिडेशन जैसा दिखाई दिया, कोई खास बड़े नंबर, एक्साइटिंग नंबर नहीं। लेकिन एक बड़ी खबर थोड़ी देर पहले आई है और वो है HDFC बैंक से जुड़ी हुई खबर, जहां पर उनका जो हेडरूम है FIIs का, मतलब कुल मिला के ये है कि FIIs के लिए यहां पर थोड़ा सा उनका जो स्टेक है वो कम होता हुआ नज़र आया, तो हेडरूम बढ़ता हुआ नज़र आएगा और वेटेज भी यहां पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा MSCI इंडेक्स के अंदर, और इसका मतलब ये है कि HDFC बैंक के लिए कुछ और कैश इनफ्लो, 3 से 4 बिलियन डॉलर की बात हो रही है, क्या होगा वो आगे देखेंगे, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है स्टॉक पर, HDFC बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि आज बदलाव उसमें देखा। तो सर्वेन जी, सबसे पहले इसी खबर से आपसे शुरुआत करते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आप इस शेयर पर देख रहे हैं? देखिए आई थिंक जो अब यहाँ से सबसे बड़ा चैलेंज HDFC बैंक के लिए टेक्निकली वो होने वाला है वो ये है कि भाई क्या हम ये 1750 वाला हर्डल अब निकाल सकते हैं। देखिए गुड न्यूज आ गया और अब आप ये मान के चलिए कि ये गुड न्यूज या ये जो सेटअप्स है ये लास्ट 15-20 दिन से डेवलप हो रहे थे, तो ये तो कोई ऐसी अननोन, इसमें बहुत ज्यादा अननोन चीज नहीं थी। तो मुझे लगता है कि इसीलिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक बढ़िया रैली की 1400-1500 के लेवल से, जो अब ये 1720-30 के आसपास आ गया है, आई थिंक एक बहुत बढ़िया इसने रैली की है। अब आप इसका देखिए कि 2.5-3 साल से क्या किया है इसने, बहुत ज्यादा 1730-1750 के बाद जाके टिक नहीं पाता है, मतलब मंथली क्लोजेस उसके बियॉन्ड नहीं आते हैं और वहां पे अटकता है। तो मैंने लास्ट शो में भी यही किसी ने पूछा था, तो मैंने यही बोला था कि भाई नए समीकरण, नए रिस्क रिवॉर्ड, तो मैं देखूंगा कि 1750 का डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाए वॉल्यूम लेड। अब आपको यहां से एक वॉल्यूम लेड ब्रेकआउट चाहिए जहां पे डिलीवरीज जाए, डिलीवरीज चेंज ऑफ हैंड्स हो और बाजार एक वॉल्यूम से ब्रेकआउट करे, नया एनर्जी, नए फ्रेश हैंड्स इसके अंदर घुसे। तो आई थिंक वो हम अब कल और परसों में डेफिनेटली अगर वो चीज होनी है तो 1-2 दिन में हो सकती है, और नहीं भी होनी है तो भी 1-2 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी। तो आई थिंक नेक्स्ट 1-2 दिन जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल है HDFC बैंक के लिए और बैंक निफ्टी के लिए भी, दोनों के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो ये तो बात हो गई क्योंकि ये खबर अभी भी आई, इसलिए मैंने कहा आपका रिएक्शन पहले ले लें। तो अब ओवरऑल अब कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। कल आज तो देखिए कंसोलिडेशन वाला दिन रहा, बाजार में कुछ खास हुआ नहीं, सुस्ती भी थी और कुछ कुछ जगह तो हमने देखा कि काफी ही मामला नरम रहा, लेकिन कल के लिए आप कैसा मूड देखते हैं? देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब निफ्टी लास्ट 3-4 दिन से एकदम शॉर्ट टर्म पिक्चर की, क्योंकि हम जब कल के बाजार की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म पिक्चर थोड़ी देखनी पड़ती है, तो लास्ट 2-3 दिन से अगर आप देखें निफ्टी ग्रेजुअली नए हाई रखते जा रहा है, मे बी जो भी 20-30-40 पॉइंट से नए हाई रख रहे हैं, और बैंक निफ्टी उसी दरमियान थोड़े थोड़े लोअर हाई रखते जा रहा है। तो लास्ट 4-5 दिन के सेशन देखें तो मुझे अब लग रहा है कि एक थोड़ा सा दोनों में डिस्कनेक्ट वापस से आ गया जो पहले से चल रहा था। तो लग तो यही रहा कि भाई निफ्टी बहुत ज्यादा 24,200 के ऊपर टिक नहीं पा रहा फिलहाल, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा 52,500 के ऊपर नहीं जा रहा लास्ट 2 दिन से, तो ये इमीडिएटली कल के लिए मुझे लगता है हर्डल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा
52,500 के ऊपर कहीं एक्सपायरी आनी चाहिए, और निफ्टी में मुझे लगता है कि 52,200 के बहुत ज्यादा ऊपर जाके एक्सपायरी नेक्स्ट एक दो दिन में नहीं आएगी। तो ये एक दो दिन का व्यू है कि ये हर्डल रहेंगे, और थॉट यही है कि आप रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स के बीचों बीच है, 23,500 से 24,500 तक का हमको लगता है एक रेंज रहेगी, उसके आप तकरीबन बीचों बीच है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा 200-300 पॉइंट गिरावट अगर निफ्टी में आती है तो रिस्क रिवॉर्ड वापस से बढ़िया हो जाएंगे लेने के, बट फिलहाल न्यूट्रल रिस्क रिवॉर्ड है, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट एक दो दिन में एक छोटी सी गिरावट जहां आप एक 150-200 पॉइंट निफ्टी में आप शेड कर सकते हैं, और तकरीबन 300-400-500 पॉइंट आप बैंक निफ्टी में शेड कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे में सरवेन जी कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जो आपकी नजर रह सकती है? जी देखिए, फार्मा आईटी जैसे हमने डिस्कस भी किया हुआ है, देखिए वो वहां पे अब आपको एक्शन और मूवमेंट दिखा और चल भी गया। अब एक फार्मा नेम जो लग रहा है कि काफी एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद चलने की आज कोशिश कर रहा है लास्ट एक दो दिन में, वो है लुपिन। मुझे लगता है कि यहाँ ब्रेकआउट्स अगर मेटेरियलाइज हो गए, जो हमें लग रहा है कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट्स हो जाएंगे, तो आप मुझे लगता है कि लुपिन आपको ऊपर में तकरीबन 1695-1700 के लेवल्स आपको लुपिन में ऊपर में आते हुए दिख सकते हैं। तो किसी को यहाँ पे ट्रेड करना है तो आई थिंक यहाँ पे बाय करके नेक्स्ट एक दो दिन के लिए चल सकते हैं। 1594 पे आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लेके चलेंगे, और उसके बाद के जो दो ट्रेड्स हैं, क्योंकि मैंने बोला कि बाजार अटका हुआ है और लग रहा है कि एक दो दिन के लिए नेक्स्ट थोड़े करेक्शन आने की उम्मीद ज्यादा लग रही है, तो नेक्स्ट दोनों सेल है, वो दोनों शेयर जो है वो सेल है। पहला है वेदांता मेटल स्पेस में, जहां मुझे लगता है कि कहीं नीचे में 442-445 के टारगेट्स यहाँ नीचे में आ सकते हैं। 466.10 रुपए पे आप एक स्टॉप लॉस रखिए, मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक दो दिन थोड़ा नीचे में गिरावट में कमाने के मौके मिलेंगे। और एक लार्जर जो थीम हम ऑलरेडी आपके शोज पे है और चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं कि भाई देखिए क्रूड मुझे लगता है कि जब 70-72 था तभी से हम कह रहे हैं कि भाई ये वापस 90-95 जाएगा, तो क्रूड चल चुका है, तो आई थिंक जिनको रॉ मटेरियल के तौर पर लगता है उनमें टायर स्टॉक्स आ जाते हैं, वहां मुझे लगता है अपोलो टायर नेक्स्ट एक दो दिन के लिए मुझे लगता है करेक्शन यहाँ आ सकते हैं। 510-515 के टारगेट्स आपको नीचे में अपोलो टायर्स के लिए आते हुए दिखने चाहिए, और स्टॉप लॉस आप एक 547.60 पे लगा के यहाँ पे रखेंगे, और इसमें सेल का ट्रेड रिकमेंडेड है। ठीक है जी, तो तीन स्टॉक जिसमें से दो सेल के रिकमेंडेशन और एक बाय का, एक तो आपके सामने अपोलो टायर्स जहाँ पर आपके लिए टारगेट्स होंगे 510 के और स्टॉप लॉस होगा 547.60 का, बेच के चलेंगे आप अपोलो टायर्स को। इसके अलावा वेदांता में भी बिकवाली की ही सलाह है जहां पर आपके लिए टारगेट होगा 445 का और 466.10 यानी 466.10 रुपए पे स्टॉप लॉस लगेगा आपका, और एक बाय की भी सलाह यहां ल्यूपिन में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और 1695 के टारगेट्स हैं और 1594 का यहां स्टॉप लॉस है। ठीक है जी, तो ये तो हो गई कल की बात, कौन से शेयर्स पे रखेंगे नज़र, कौन सा सेक्टर कैसा करेगा और ओवरऑल मार्केट की तस्वीर कैसी दिखाई देगी। अब वक्त है आपके इंडिविजुअल सवालों का। राइट, पहले कॉलर है हमारे मुकेश नाहर साहब जो अंकलेश्वर गुजरात से हमें कॉल कर रहे हैं। मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हाँ जी, मेरा सर सवाल है जियो फाइनेंस। ओके, जियो फाइनेंस मेरे पास 10,000 क्वांटिटी है, 227। अच्छा जी, और मेरा नजरिया है 5 साल, और अपना टारगेट है 1,000 रुपीज, कब आ सकता है साहब? ओके, 1,000 रुपीज कब आएगा? ठीक है, 5 साल का नजरिया। राइट, तो जियो फाइनेंस में अच्छी खासी इनके 10,000 शेयर ही बोले ना आपने? हाँ जी 10,000 क्वांटिटी है। सरवेन जी 124 रुपए का ऑलरेडी प्रॉफिट है, लेकिन इनकी निगाह बहुत ऊपर है, ये कह रहे हैं कि अभी जो 351 है उसमें 1,000 कब आएगा और क्या 5 साल में संभव है? अच्छा ट्रेड है इनका, बट यहाँ पे मेरा तकलीफ मेरे लिए यही है कि इसमें डेटा तकरीबन 1 साल के दरमियान का ही है अमूमन, तो बहुत ज्यादा अभी 3-4 साल के प्रोजेक्शन नहीं दे सकता, बट ये थॉट तो डेफिनेटली है कि इसका एक 350 के आसपास एक बार ये इसके लेवल से निकल जाते हैं तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे अटक रहा है, तो अगर ये 350-355 के लेवल निकलते हैं तो ऊपर के जो हाई रखे 394 के आसपास वो चैलेंज होंगे, और एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर जो 400 का आएगा आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। तो इन द लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम जो ये पूछ रहे हैं, नेक्स्ट 3 से 6 महीने में मुझे लगता है कि स्टॉक को कुछ भी करके 394-400 के ब्रेकआउट्स करने पड़ेंगे अगर इनका इनकी सूरत अगर डेवलप होनी है तो। आई थिंक नेक्स्ट 3-6 महीने में ध्यान रखें कि इसके ब्रेकआउट्स अगर ये मैनेज कर लेता है तो यस, फिर निश्चिंत होकर थोड़ा खड़े रहेंगे, तो एटलीस्ट 6-12 महीने के लिए इनको कोई तकलीफ नहीं होगी, बट इन द मीन टाइम मुझे लगता है 320 से लेके अराउंड 390 की एक ये रेंज इसमें रह सकती है। 320 से 390 की रेंज दिख सकती है, और अगर ये 350 वाला थोड़ा स्तर टूटता आगे जाता है इससे तो फिर 400 रुपये तक ही जाता दिखाई देगा, ये करीब
आठ से बारह महीने की बातचीत कर रहे हैं सरवेन जी, और लगे हाथों एक डिस्क्लेमर आपको दे देते हैं यहाँ पे कि इस वक्त आप जो चैनल यानी सीएनबीसी आवाज देख रहे हैं वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है, जिससे ये शेयर भी रिलेटेड है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे आनंदा बनर्जी, अगरतला त्रिपुरा से कॉल कर रहे हैं। आनंदा जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हाँ सर, मेरे पास पीएनबी का 1950 शेयर है और ये मैंने 127 रुपीज में खरीदा है, तो आगे क्या करें इसमें? तो 3-4 महीने का मुझे व्यू चाहिए सर। 3-4 महीने का, ठीक है जी। फिलहाल थोड़ा सा घाटा है 6 रुपए का, लेकिन 3-4 महीने में क्या होता है ये देखने वाली बात है। तो पीएनबी में क्या करेंगे आनंदा सरवीन जी? देखिए, हमेशा से बोलता हूँ, कई बार ये तकिया कलाम हो गया कि गुड स्टॉक बैड टाइमिंग। अगर 3-4 महीने का इनका व्यू था तो ये टाइमिंग रॉन्ग हो गई, क्योंकि मंथली स्विंग हाइज के आसपास ये जाके इन्होंने कहीं पॉसिबिलिटी, अगर मैं मान के चल रहा हूँ इन्होंने लास्ट 1-2 महीनों में ही लिया रहेगा, क्योंकि उसी के आसपास के भाव ये रहे हैं। तो अब देखिए, 140 का स्तर निकालना इसके लिए बहुत ही अनिवार्य है। 140-141 के लेवल जो है इसको निकालने पड़ेंगे, 142 के, उसके बाद ही नए समीकरण लगेंगे। जैसे कि मैंने अभी जियो फाइनेंस केस में भी बोला कि इन दैट मीन टाइम ये निकालता है, तब तक मुझे लगता है कि इसमें 100 रुपए से लेके 140 रुपए की रेंज रहेगी। 3-6 महीने पॉसिबली वो रेंज ट्रेड करेंगे, उसके बाद कहीं इनके पैसे बन सकते हैं। तो 3-6 महीने के हिसाब से तो लगता है कि 3 महीने तो इनके इसी कंसोलिडेशन में निकल जाएंगे, मे बी 4th-5th मंथ ऑनवर्ड्स इनके थोड़े पैसे बन सकते हैं पॉसिबली। बट स्टॉक अच्छा है, अगर टाइम बढ़ाएंगे तो यस, पैसे कमाने के इनके मौके बढ़ जाएंगे। तो मेरी राय रहेगी कि इस स्टॉक को अगर लिया है और अगर इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं, 100 के नीचे जाने में भी इनको, 100 तक जाने में इनको तकलीफ नहीं है, तो इसको 12 महीने प्लस का टाइम दें, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा। ठीक है आनंदा जी, तो रखिए अगर पॉसिबल है तो 12 महीने रखेंगे तो आपके लिए बेहतर है, अदरवाइज आप छोटे यानी 3-4 महीने में जो कह रहे थे, तो सरवेन जी बता रहे हैं कि 100-140 के बीच की रेंज रहेगी। यहाँ से थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा 5-7 रुपये तो आपका तो लॉस कवर हो जाएगा। आपको लगता है कि भाई उससे ज़्यादा नहीं रखना है, जो भी रीज़न है 3-4 महीने के लिए अगर रखना है तो फिर वहाँ एग्जिट कर लीजिएगा या 140 का इंतज़ार कर लीजिएगा। एल्स अगर लंबा रख सकते हैं तो फिर रखिए करीब साल भर, और वहाँ पर आप प्रॉफिट की उम्मीद लगा सकते हैं पीएनबी से बड़े प्रॉफिट की। ठीक है जी, तो दोनों तरह की सिचुएशन में आपके लिए सलाह हो गई। अगले कॉलर रूप नारायण मंडल साहब आसाम से कॉल कर रहे हैं। मंडल साहब, बहुत स्वागत है, क्या शेयर्स ले रखे हैं आप? विपिन सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर्वेंद्र सर को भी सर नमस्ते। सर्वेंद्र, पहले बात बताना चाहूंगा सर, सर्वेंद्र सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको, उन्होंने एक शेयर पे मुझे सजेशन दिए थे होल्ड करने के लिए और मैंने उसमें 100% अचीव किया। मुबारक हो भाई आपको, और शो देखते रहिए, हम तो यही बोल सकते हैं। जी सर जी, हमें प्यार करते रहिए, शो देखता रहता हूँ सर। दूसरा सर, AIA इंजीनियरिंग का मेरे पास 5 शेयर था 3970 पे, और मैं ये 2-3 महीना और रख सकता हूँ सर, इसके लिए थोड़ा सा व्यू चाहिए था सर। ठीक है जी, तो सरवेन जी यहाँ पर भी इनको भले 5 है क्वांटिटी, लेकिन हर शेयर पर 250 रुपए के आसपास की इनकी प्रॉफिट है, और ये और रख सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रेडिंग स्टॉक है और इन्होंने जो टाइम फ्रेम मुझसे पूछ लिया 3-6 महीने, वो मेरे लिए मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टाइम फ्रेम ही रहता है। तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म जब व्यू लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की कई बार गुंजाइशें नहीं रह जाती, स्टॉक काफी चला हुआ है। और आप पहले ये समझ के चलिए कि मेरे लिए मुश्किल इसलिए हो जाता है कि स्टॉक कभी कभी तो 20-30 हजार शेयर दिन के ट्रेड होता है, एक 25-30 हजार शेयर ट्रेड होने वाली चीज में आप बहुत ज्यादा, कभी कभी एक दिन भी आप गलत गए उसमें ज्यादा सेलिंग आ गई तो काफी पैसे का लेन देन हो सकता है, काफी हार जीत हो सकती है। तो अग्रेसिवली कॉस्ट के ऊपर एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके चले, मेरे हिसाब से स्टॉक काफी चला हुआ है पीछे से, तो मेरे हिसाब से तो एक स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास ट्रेल करके चले, क्योंकि टाइम फ्रेम जब इनका ट्रेडिंग है तो एक बार पैसे अंदर आ गए तो वो जाने नहीं चाहिए, तो आप एटलीस्ट कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा किसी कारण से अगर ट्रेंड पलटता है। फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेड में बने रहें, एटलीस्ट नहीं 3 महीने तो एटलीस्ट 15-20 दिन बने रहें, मुझे लगता है 43-50-44 तक तो जा सकता है, उस केस में आपको स्टॉप लॉस को और थोड़ा ट्रेल करने का मौका मिलेगा, तो उस मौके के लिए 15 दिन देना चाहिए। चलिए जी, 15 दिन में आपको ये 4350 से 4400 तक के लेवल दिखा सकता है, और अपनी इस कॉस्ट पर ही, जिस पे आपकी जो खरीदारी थी उस पे ही स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 10-15-20 दिन देखिए, फिर आप हमें दोबारा लिख सकते हैं, फिर हम आपको सलाह दे देंगे, सरवेन जी से ही पूछ लेंगे। राइट, तो फिलहाल के लिए ये आप, क्योंकि देखिए वॉल्यूम कम है, उनका कहना भी सही है कि जहां इतना कम वॉल्यूम है वहां एक दिन में सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, तो अपनी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के इंतजार कीजिए 4350 से 4400 तक का, तो उतना आपको और फायदा मिल जाएगा, आप ऑलरेडी फायदे में हैं, होल्ड कीजिए।
आगे जी राजेश वाधवानी साहब सूरत गुजरात से कॉल कर रहे हैं। राजेश जी स्वागत है, क्या क्या शेयर्स ले रखे हैं आपने? साहब नमस्कार, भट्ट साहब नमस्कार, श्रीवास्तव साहब नमस्कार, नमस्कार। मैंने ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर लिए हुए हैं 622 रुपए में। ओके, पिछले महीने लिए थे, पर अभी जो बैंक निफ्टी में गिरावट आई है तो उस हिसाब से मेरे को इसमें बने रहना चाहिए कि इसमें एग्जिट लेना ज्यादा उचित है? कहीं जो मैंने लिया है उससे कहीं नीचे तो नहीं आ जाएगा? 622 रुपए से नीचे तो नहीं आ जाएगा? अभी तो खैर आपके लिए 51 रुपए हैं, उसके बीच में वो नीचे आए उससे पहले, लेकिन आगे क्या होगा? बिल्कुल सर्वेन जी क्या सलाह रहेगी? देखिए अपने दिग्गज पीयर को कहीं कहीं थोड़ा सा मिरर कर रहा था, ये भी 21-22 से चला नहीं है। जैसे एचडीएफसी बैंक की अभी बात कर रहे थे, ये भी कहीं 21-22 के बाद से बहुत चला नहीं है और बहुत ज्यादा 1740-1750 के बियॉन्ड जाके टिक नहीं पाया है। गया एक आठ टिक्स लगे हैं 800 के आसपास जस्ट के नीचे, बट टिकता नहीं है कहीं 730-740 के ऊपर, ऐसा मेरा इसमें एक ऑब्जर्वेशन रहा है। तो मुझे तो लगता है कि उछालों में इनको यहाँ थोड़ा निकल जाना चाहिए, थोड़ा मुनाफा बांध लेना चाहिए। इन द मीन टाइम जब तक 700-710 की तरफ अगर उछाल आता है उसको अगर खेलना चाहे तो इन द मीन टाइम मुझे लगता है 644 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें ताकि थोड़े पैसे इनके उसमें प्रोटेक्टेड रहेंगे, थोड़ा प्रॉफिट, और अगर इनको मौका मिला 15 दिन के लिए तो एक 700-710 के एरिया में मुनाफा बांधे नेक्स्ट 15 डेज के लिए। कॉल है 15 दिन के लिए 645 का स्टॉप लॉस लगाइए और 700-710 ये जो लेवल है वहां पर एक थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि ये भी लेवल है जहां ये अटक रहा है लगातार। तो आपने जो सवाल पूछा कि आगे क्या होगा इस पर्टिकुलर शेयर्स में, तो यही है। और अगले माफ कीजिएगा 15 से 20 दिन की कहानी है, फिर हम दोबारा बात कर लेंगे, लेकिन 645 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। लेवल्स पे जरूर ध्यान रखिएगा, 700 से 710 वहां पर आपको निकलना होगा, क्योंकि प्रॉफिट में आप थोड़ा सा और प्रॉफिट बढ़े निकलिए। वीना केसवानी है अगली हमारी कॉलर, जयपुर से कॉल कर रही है। वीना जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज। सर मेरी जी एंटरटेनमेंट लिया हुआ है। ओके हेलो, हाँ जी, 211 की 211 रुपए की बाइंग रेट है, 656 क्वांटिटी है यूनिट्स हमारे पास। मीना जी आपने कब खरीदे थे ये शेयर्स? सर मेरे पास काफी टाइम पहले खरीदे हुए थे, फिर मैंने इसको एवरेज किया है, अब जाके ये बाइंग रेट आ रही है सर। अच्छा जी, फिर भी अभी देखिए 57 रुपए और 65 पैसे का लॉस है हर शेयर पे, अब क्या करेंगी मीना जी? तो सर्वेन जी उसकी सलाह देंगे, सर्वेन जी क्या करना चाहिए? देखिए बहुत वॉलेटाइल स्टॉक रहा है और बहुत सारे न्यूज डेवलपमेंट्स टाइम टू टाइम इसमें बनते रहते हैं, तो ऐसे शेयरों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार एक अच्छी न्यूज उसको वापस 220-225 पहुंचा सकती है और एक खराब न्यूज उसको वापस और 20-30 रुपए नीचे लेके जा सकती है। तो आई थिंक मेरा इसमें कोई बहुत स्ट्रांग राय नहीं है, तो मैं इनसे माफी चाहूंगा, मेरा इस स्टॉक पे अभी बहुत कोई स्ट्रांग राय नहीं है जी। तो वीना जी थोड़ा सा डाइसी है ये, और क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है स्टॉक में, बड़ा न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है, तो फिलहाल के लिए इसको सिर्फ इस पर नज़र बना के रखिए और आपके दाम आए तो फिर उसके आसपास आप एक डिसीजन लीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि वाकई उसमें वॉलेटिलिटी इसकी जो स्थिति है उसको देखते हुए सर्वेन जी ने फिलहाल कहा है कि वो इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। आगे हमारे कॉलर हैं विकास साहब जो कि दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। विकास जी बहुत स्वागत है आपका, क्या क्या खरीद रखा है आपने? नमस्कार जी, जी मैंने आरबीए मतलब बर्गर किंग खरीदे हुए हैं 1200 शेयर 119 रुपए पर, मैं 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ और एक्चुअली ऐड करता रहा हूँ मैं, और मुझे इसकी लॉन्ग स्टोरी जो रहती है एक्सटेंशन प्लान, तो उस पर थोड़ा सा भरोसा है, तो मेरा नजरिया 1 से 2 साल का है। अच्छा आप खुद खाते हैं बर्गर? मेरा बेटा बहुत ठीक है, लेकिन आपने बर्गर किंग पे पैसा लगाया, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, 1 से 2 साल का नजरिया है सर्वेन जी इनका, लेकिन अभी फिलहाल लॉस है, तो क्या वो लॉस फायदे में बदलेगा? देखिए ये जब से लिस्ट हुआ है तब से कहीं गिर रहा था, फिर एक कंसोलिडेशन रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, बट कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो टुवर्ड्स अराउंड 87-88 उस एरिया 90 के आसपास जाते रहता है, हर 6-12 महीने में उस तरफ पहुंच रहा है, तो अभी भी उन्हीं एरियाज के आसपास से पलटा है, तो मान के चलते हैं कि 80-90 पे अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं लास्ट तकरीबन 1-1.5 साल से, तो फिलहाल इनको यही बोलूंगा कि भाई जब तक 80-90 वाले सपोर्ट्स बने हुए हैं, क्योंकि और नीचे प्राइस हिस्ट्री कुछ है नहीं, ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्राइस हिस्ट्री है नहीं, तो थॉट यही दे सकता हूं कि अभी 80-90 अच्छे सपोर्ट्स हैं, और अगर स्टोरी इंटैक्ट रहती है जिस तरह से इनको लग रही है, क्योंकि उन्होंने काफी स्ट्रांग इस पर लगता है फंडामेंटल रिसर्च किया है, वो मेरा फोर्टे नहीं है, प्राइस में कुछ ऐसा खास विशेष नहीं बन रहा, बस यही लग रहा है कि 80-90 पे सपोर्ट्स हैं और उनको सपोर्ट्स ले लेके 10-15% के बाउंसेस आते रहते हैं, तो उन एरियाज के आसपास अगर बाउंसेस ट्रेड करना चाहे करें, थोड़ी इनकी कॉस्टिंग नीचे होगी, वो एक स्ट्रेटेजी है इसको करने की,
या दूसरा जैसे ये कर रहे हैं स्लोली एक्युमुलेट कर रहे हैं तो करते रहें और फिर इनको ब्रेकआउट का वेट करना है। 80 रुपए के नीचे मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, वो भी मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि नया स्टॉक है इसलिए मैं इनके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बट 80 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस भी होना चाहिए ऐसा मेरा मानना है। ठीक है जी, 80 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और जैसा उन्होंने कहा कि ये वक्त वक्त पर ऊपर नीचे जाता रहता आगे पीछे, इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा फिर ब्रेकआउट का और आपका एक दो साल का नज़रिया है, अच्छा है तो आप इसे और एक्यूमुलेट करें। फिलहाल ये 80 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड कर लीजिए। चलिए हमारे लिए एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया से सवाल। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, साथ में कल की तैयारी। सरवीन जी हमारे साथ बने और वक्त सोशल मीडिया से सवाल लेने का। दर्शक थोड़े मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, क्यों भाई ऐसा क्यों, आज कहां गए सारे लोग? वेल फिलहाल जितने दर्शक हैं मैं उनके सवाल लेता हूं। रश्मि भाटिया, आई हैव अ बैंक ऑफ बड़ौदा 100 शेयर्स 280 रुपए के भाव पर। सरवीन जी देखिए बैंकिंग में वही थॉट है कि जैसे अभी मैंने पीएनबी और एचडीएफसी, स्पेशली जब हमने अभी पीएनबी की बात की, थॉट यहां बैंक ऑफ बड़ौदा में भी यही है कि आप इसको अगर रख सकते हैं 2-3 महीने तो आप रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे रेंजेस रहेंगी और रेंजेस में ट्रेड होगा। थॉट यही है इस केस में भी कि मुझे लग रहा है तकरीबन 210 से लेके कहीं 270 की एक रेंज यहाँ बनेगी, 210 पे बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं और लगता तो है फिलहाल वो सपोर्ट्स होल्ड होंगे। तो अगर उतना ड्रॉडाउन 15-20% ड्रॉडाउन जैसे मैं बोलता हूँ उतना ही अगर बेयर कर सकती हैं तो आई थिंक 1-3 महीने बने रहें, 1-3 महीने एक्शन नहीं होगा, एक्शन उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा पॉसिबली जब आप 275-280 के हाईज निकालेंगे, तब तक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 महीने पेशेंस, 275 के ऊपर एक्शन। अभिषेक गुप्ता अगला सवाल कह रहे हैं, बाय एमसीएक्स एंड एचडीएफसी एएमसी एट करंट लेवल फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए एमसीएक्स तो काफी चला हुआ है पीछे से, बट यस आई थिंक अभी भी हमने जो कॉल लिया था 1.5-2 साल पहले कि भाई समय अब गोल्ड सिल्वर का है तो एमसीएक्स को फायदे मिलते रहेंगे, अभी लगता है मुझे और अभी तो गोल्ड सिल्वर जस्ट चला है और भी चलना बाकी है, तो जब एक एसेट क्लास पैसे कमा के देने लगता है तो आई थिंक एक्शन आने लगेगा, तो लॉन्ग रन के लिए मुझे अच्छा है लगता है यहाँ पे, बट अब इसी भाव से ज्यादा कॉर्पस ना डालें, धीमे धीमे एसआईपी करें मेरे हिसाब से, वो इनके लिए बेहतर रहेगा एमसीएक्स में। ठीक है, और दूसरा इन्होंने एचडीएफसी एएमसी के लिए भी पूछा। एचडीएफसी एएमसी देखिए ये भी डेफिनेटली बड़ा नाम है, बहुत ज्यादा पहले परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वहां से काफी चल गया है, तो थॉट यहाँ पे भी रहेगा कि इस भाव से ज्यादा नहीं कर सकते, बट या सिप करना चाहे लॉन्ग रन तो यहाँ से सिप स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा स्टॉक है, बट धीमे धीमे लें ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि थोड़ा सब जगह 15-20% की जगह बाकी है इन सब स्टॉक्स में करेक्शन की, क्योंकि वन साइड चले हुए जी, हल्की आंख पर इसे बनाएं धीमे धीमे मध्यम आंच पे। ठीक है जी, गौरव देशमुख इंडसइंड बैंक के 100 शेयर हैं, इनके पास 500 रुपए के भाव में, शॉर्ट टर्म व्यू चाहते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म व्यू चाहते हैं तो फिर तो मैंने भी बोला अटक रहा है, बैंकिंग थोड़ा अटक रहा है, शॉर्ट टर्म व्यू चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में तो 10-12-15% का करेक्शन एक काफी मीनिंगफुल प्रॉफिट टारगेट हो जाता है, तो अगर इनका शॉर्ट टर्म में वो नजरिया है तो मुझे लगता है 8-10% ये स्टॉक गिर सकता है वो गोइंग अहेड 1-3 महीने में, तो फिर तो उछालों में बेचे और प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, उछालों में बेचिए प्रॉफिट लीजिए फिलहाल के लिए, शॉर्ट टर्म व्यूज आपने पूछा वो बताया। टाटा पावर के 1000 शेयर प्रदीप सूद साहब पूछ रहे हैं, 460 के भाव पर, शॉर्ट टर्म व्यू? हाँ इनका भी शॉर्ट टर्म व्यू है। देखिए शॉर्ट टर्म व्यू है, काफी चला हुआ स्टॉक है, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल टॉप बना के बैठा है, आई थिंक बहुत ज्यादा 450-460 के ऊपर नहीं जा पाएगा ऐसा मेरा मानना है, ओवर द नेक्स्ट 3-6 मंथ्स ये डिसेंट करेक्शन में जाएगा जो कि इसको तकरीबन 360 की तरफ भी लेके जा सकता है, तो इस केस में क्योंकि क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा क्लियर लग रही तो आई थिंक यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि भाई अगर शॉर्ट टर्म है तो निकलने की कोशिश करें यहाँ से। ठीक है, टाटा पावर से निकलने की सलाह क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म राय मांगी थी। कन्हैया सिंह पूछ रहे हैं, जीआरएससी का इनके पास है 1000 शेयर 826 रुपए के भाव पर। जीआरएससी इनके पास है? हाँ जी जी। देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा है और यहाँ मुझे लगता है ये तकरीबन 410 से लेके आपको नीचे में एक 310 तक की काफी बड़ी रेंज दिख रही है यहाँ पे, आई थिंक ये रेंज मुझे लग रही है कि ये है और इसको रिस्क है नीचे 310-312 का 15 का, तो आई थिंक यहाँ पे भी थॉट वही रहेगा कि ऊपर में उछालों में बेचें और नीचे में दोबारा इसको 310-315 की रेंज में लेने की कोशिश करें। ठीक है जी, उछालों में बेचिए और 310-315 की रेंज मिले या वहां तक भाव आए दोबारा खरीद सकते हैं।
चलिए वक्त हो गया समाप्त, तो जाने से पहले सर आपके कोई डिस्क्लेमर्स? जी बिल्कुल, आई थिंक हम आते हैं, कोशिश बहुत अच्छी करते हैं यहाँ करने की कम से कम टाइम में, बट कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से एक राय दोबारा जरूर लें। जरूर, तो सरवन जी की इस बात को भी माने और बाकी जो बातें उन्होंने आज बताई उन्हें भी अगर आप समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो कल एक अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। सरवन जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आप हमें रोज देखते हैं तो बिल्कुल अपने सवाल भेजते रहिए, और कल के ट्रेड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षित और फायदे का ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।